आज हम करेंगे मैं रहूं या ना रहूं का टैब्स। इसका कॉर्ड्स का लेसन मैंने पहले ही बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। एंड इसका टैब्स काफी अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, जो बिगनर्स है जो अभी नया नया लीड सीख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसमें सारे टेक्निक्स मैंने यूज किए हैं, जो हैमर ऑन पुल ऑफ, उसका आपका काफी अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि हम लोग हैमर ऑन कैसे करें, पुल ऑफ कैसे करें, लीड कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप लोग गाने प्रैक्टिस करो। अब जितने गाने प्रैक्टिस करोगे उससे आपका टेक्निक भी उतना इंप्रूव होगा, ठीक है। तो आज का लेसन अभी स्टार्ट करेंगे, अगर ये लेसन आपको हेल्प करे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको इतना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रो पार्ट कर लेते हैं। मैंने इसको पहले ही बताया हुआ है, फिर से आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपका स्टार्ट होगा लाइक दिस, जो गाना है आपका है वो है एफ शार्प मेजर स्केल पे, ठीक है। वो इंट्रो स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस, काफी इजी है। आपका सेकंड स्ट्रिंग 9 9 7 9 एंड 11 पे प्ले हो रहा है, ठीक है। 7 9 11 देन पुल ऑफ करेंगे 9 टू 7, वापस दो बार 7, देन स्लाइड करेंगे। टैब्स देख लो, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बीट बाय बीट, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप टैब्स फॉलो करो, मेरा फिंगर मूवमेंट देखना, ठीक है। तो पहला पार्ट कैसा हो गया, काफी इजी है। सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, वहीं से स्टार्ट होगा। और अभी स्लाइड करेंगे हम लोग थर्ड स्ट्रिंग 6 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो इसको दो बार बजाइए, फिर से फर्स्ट पार्ट रिपीट। इसका हल्का सा चेंज होगा लाइक दिस, काफी इजी। इसको क्या किया हम लोग, सेकंड स्ट्रिंग पे 9 7 8 6, थर्ड स्ट्रिंग पे देन 6 टू 8 स्लाइड। उसका यहीं से क्या करेंगे, ये नोट जो हमने यहाँ पे एंड किया इंडेक्स फिंगर से, मिडिल फिंगर से, हम लोग सेकंड स्ट्रिंग 9 फ्रेट भी पकड़ लेंगे, दोनों को एक साथ प्ले करेंगे थर्ड एंड सेकंड, और इसको 2 फ्रेट स्लाइड करके ऊपर लेंगे लाइक दिस। काफी अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। अगर आपसे ये, इसको डबल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है, जो दो नोट एक साथ प्ले कर रहे हैं, अगर ये नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, बस थर्ड स्ट्रिंग को ही स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से इसका एंडिंग में एक बार प्ले कर देता हूँ, इसको एंड करके एफ शार्प मेजर पे एक डाउन स्ट्रम। इसका इसका वोकल टाइप देख लेते हैं। तो इसका वोकल टाइप भी काफी इजी है, इसमें हम लोग टेक्निक्स यूज करेंगे हैमर ऑन पुल ऑफ का, काफी प्रैक्टिस अच्छा हुआ आपका, ठीक है। आपका स्टार्ट होगा लाइक दिस, तो आप मेरा पिकिंग हैंड देख सकते, मैं थोड़ा एंगल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्लाइड करेंगे हम लोग, टैब्स देख लो, देन बस यहाँ पे हैमर ऑन पुल ऑफ कर रहे हैं जो ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पिक करके उसी वक्त टैप कर दे रहे हैं सेकंड फ्रेट को मिडिल फिंगर से, इसको हल्का सा नीचे फ्लिक करके उठा रहे, ठीक है, लाइक दिस। देखो यहाँ पे ठीक, इसको बोलते हैं हैमर ऑन एंड पुल ऑफ, ये हैमर ऑन हुआ पुल ऑफ। तो इसको क्या करो, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, इनिशियली आपका नहीं होगा, आप पूरा स्लोली प्रैक्टिस करो, उसका धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट एक फ्लो में ऐसा लगेगा, काफी इजी है। देन आएगा आपका, ये भी काफी इजी आपका स्टार्ट हुआ यहां से लिटिल फिंगर। अब जितना यूज करो लिटिल फिंगर उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ लिटिल फिंगर का यूज करो। ये आएगा फोर्थ स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे, यहीं पे वही सेम हैमर पुल ऑफ करेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, रिंग फिंगर से हैमर करें, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्रेट पे इसको प्रेस किए हुए एंड थर्ड फ्रेट पे हैमर कर रहे हैं, तो मिडिल फिंगर नहीं होगा, तो रिंग फिंगर से ही करेंगे हैमर ऑन एंड पुल ऑफ, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स एक साथ ऐसा लगेगा, टैप्स दिया हुआ आराम से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट भी पूरा सेम है फर्स्ट पार्ट जैसा, जहां पे एंड हुआ तो वहीं से स्टार्ट होगा, बस इतना चेंज है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है।
काफी इजी है, दोनों पार्ट्स आप आराम से प्ले कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से एक फ्लो में प्ले कर रहा हूँ, आप सुन लो। सेकंड पार्ट, इसके बाद इसका कोरस स्टार्ट होता है लाइक दिस। काफी इजी, अब टैब्स देख लो, मैं स्लोली प्ले करता हूं। ठीक है, ये स्टार्ट होगा आपका सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट से, फिर से एवरन पुल ऑफ यहां पे कि हम लोग, देन काफी इजी है, देन यहीं से स्टार्ट होगा। काफी इजी है, टैब्स देख सकते हो, तो ये पार्ट एक फ्लो में ऐसा लगेगा। ठीक है, तो सेकंड टाइम भी पूरा ऑलमोस्ट सेम है, रिपीट करना है, बस लास्ट में दो नोट्स चेंज होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, पूरा सेम, देन पूरा सेम, यहाँ पे चेंज हुआ, देन बस इतना ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं टैब्स में दे रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन नहीं करूँ, आराम से समझ जाओगे। तो चलिए अब इसका अंतरा पार्ट देख लेते हैं अभी। तो इसका अंतरा भी काफी इजी है, मैं इसको प्ले कर दे रहा हूँ, उसका उसको ब्रेक करके आपको बताऊंगा। तो काफी इजी, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया अभी, स्लाइड के फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट से लेकर फोर्थ फ्रेट तक। ठीक है, लाइक दिस, टैब्स देख लो, देन आएगा आपका, ठीक है, इसमें हैमर एंड पुल ऑफ के सेम टेक्निक अप्लाई करना है आपको। तो एक फ्लो में ही ऐसा लगेगा, दोनों पार्ट्स पूरा सेम है, कहीं पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो वही थे कंप्लीट लेसन, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे, अगर ये लेसन आपको हेल्प करे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।